तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू एंड स्पेशल वीडियो। गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। होप सो बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, खुशखुशहाल होंगे और ताजे ताजे होंगे। गाइस, तो वी आर बैक विद वन मोर न्यू वीडियो। गाइस, ये है हमारी अशोक लेलैंड की नई वीरा। गाइस, इस बस का नाम है वीरा, जैसे कि आप देख रहे हो। वीरा V8 BS6 एंजिन के साथ नई नई मार्केट में उतरी है। आई मीन से मार्केट में न्यूली लॉन्च है गाइस की नई सी वीरा। और इस वीरा की हम YBM ट्रैवल्स चला रहे गाइस। हमने पुरानी वीरा तो चला रखी है गाइस, आपने लाइव स्ट्रीम अगर देखी हो मेरी तो। पर आज हम चला रहे हैं सबसे नई आई हुई BS6 वीरा V8। और इसका लुक्स भी अलग है आगे से, जैसे कि देख रहे हो गाइस। ये हमारी YBM की वीरा आगे से, एंड AC स्लीपर है आज की हमारी बस। तो गाइस, तो क्या बोलते गाइस, आज की जर्नी चालू करें इस नई बस के साथ? चलो चलो, फटोफट बताओ, फटोफट बताओ, करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले लाइक बटन दबा दो, तुरंत एकदम तेजी के साथ लाइक बटन दबा देना चाहिए गाइस। ये देखो गाइस, पीछे का व्यू। तो गाइस करते हैं शुरू, इंटीरियर दिखाऊंगा, पर पहले लाइक कर दो गाइस फटोफट। और लेट्स गो टू इंटीरियर, 3 2 1। तो ये रहा हमारा वीरा V8 का इंटीरियर, ये हमारा कैबिन है। और मैं थोड़ा आगे जाके ना आपको स्लीपर का भी इंटीरियर दिखाऊंगा, ठीक है? तब तक के लिए वीडियो में बने रहो। तो हाँ, एक एक चीज़ आज स्पेशल ये भी है कि आज पूरी जर्नी हमारी हाईवे पे होने वाली है, यानी कि फुल इंडियन फील, फुल हाईवे में आज की जर्नी हम करने वाले हैं। तो ऐसा ही लगेगा कि तुम इंडियन हाईवे पे बस चल रही है आज हमारी, और तुम एकदम फुल मजे लोगे हाईवे की राइड का। तो आज की राइड मज़ेदार होने वाली है, तो गाइस बने रहो एंड तक, ठीक है? बस को करते हैं स्टार्ट। अरे 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 अरे, क्या ही साउंड है! वाह वाह वाह, क्या ही साउंड है भाई, एकदम रियलिस्टिक। गाइस, हमारी बस में माला ना हो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। माला के साथ मैंने इमोजी भी डाल दिया, तो हाँ, प्यारे लग रहे। तो गाइस रेडी, करें फिर स्टार्ट। हॉर्न भी सुनाऊंगा तुमको, हॉर्न भी स्पेशल है आज का। लेट्स गो गाइस, चालू करते हैं। साइड लाइट दे देते हैं, और पीछे देखते कोई आ नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा। और ये गाड़ी रुक गई है, स्लो हो चुकी है। चलो एक हॉर्न सुना देता हूँ आपको। देख रहे हो कितना प्यारा होने, दूसरा सुनोगे? ये लो गाइस, वाह वाह वाह। तो आज की हमारी जर्नी रहने वाली है 466 किलोमीटर की, हमारी आज की जर्नी रहने वाली है। तो मजा तो आएगा गाइस आज की जर्नी में, और ट्रैफिक भी बहुत है आज भाई। तो लेट्स सी क्या होता है, कितना ट्रैफिक हमें हाईवे पे मिलता है। अभी तो हाईवे शुरू हुआ नहीं है, लेट्स सी। आगे से लेना हमें राइट, क्योंकि वो रास्ता जाएगा हाईवे की तरफ। भाई साहब देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है, अरे अरे अरे, बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी ये YBM ट्रैवल्स की वीरा V8। तो देख रहे हो पुलिस वाले भी खड़े हैं, वो लोग बोल रहे हैं राइट जाओ, राइट हाईवे वाले राइट जाओ। चलो गाइस मुड़ते हैं हाईवे की तरफ, और हाईवे पे जुड़ेंगे तो टोल तो आएगा ही गाइस। अभी टोल कितने का लेते हैं ये लोग, देख सी। प्यारी लग रही है हमारी वीरा V8, अशोक लेलैंड की चेसी पे बनी है ये वीरा V8, क्योंकि स्टेयरिंग में अशोक लेलैंड का आप सिंबल देख सकते हो, यानी कि लोगो उनका। और सारी इंडियन ट्रैफिक क्रॉस कर रही है, आगे जा रही है इनोवा, बाजू में से स्कॉर्पियो क्रॉस कर रही है। बहुत ही बढ़िया भाई, बेहतरीन आ रही है आज इंडियन फील, आज तो है इंडियन फील भाई। चलो आ गया है गाइस टोल टैक्स। अरे अरे अरे, सस्पेंशन टेस्ट हो रहा है क्या? अरे वाह गाइस, देख रहे हो बस के व्हील कैप भी लगाया मैंने। देखो व्हील कैप से ज़्यादा बेहतर लग रही है बस। चलो टोल दे देते हैं गाइस, लेट्स सी कितने का टोल हमें पे करना है इधर। और भैया कैसे हो? भैया खोल दो, फास्टैग लगाए भैया, खोल दो। खोल दिया भैया ने, खोल दिया, मैंने नोटिस नहीं किया, हो गया। चलो लेट्स गो लेट्स गो। पर्पल ट्रैवल्स क्रॉस करिए वॉल्वो की वहाँ से। तो गाइस ये सारे लोग हाईवे से आ रहे हैं, तो गाइस हम अभी मर्ज होने वाले हैं हाईवे पे। अभी आएगा ना वीडियो असली मजा, लेट्स गो लेट्स गो। तो गाइस हाईवे आ चुका है, अभी लेन चेंज करनी है हमें यहाँ से। कोई पीछे से आ तो नहीं रहा, आइसर वाला स्लो कर दिया है, बेहतरीन आइसर वाले भैया, थैंक यू स्लो करने के लिए। तो गाइस अभी आएगा मजा, हरियाणा रोडवेज वाला ड्राइवर का मेरे में आत्मा घुस गई है गाइस। अभी मेरे को फुल स्पील के साथ चलाऊंगा मैं, एकदम 110 की लिमिट के साथ बस को आज भगाने वाले हम लोग। अराउंड 209 किलोमीटर, अराउंड 209 किलोमीटर का ये हाईवे है, तो बीच में होटल वगैरह भी आएगी, तो भी रुकेंगे हम उस पर, ठीक है? तो हाँ लेट्स गो गाइस,
ट्रैफिक बड़ा है भाई यार, ट्रकों का और बसों का ट्रैफिक बहुत है भाई। आगे जा रही है कावेरी ट्रैवल्स, अभी कौन मुझे जाने देगा ये देखना है भाई। ऐसे ट्रैफिक में तो कोई जाने देगा नहीं, वो लेन भी नहीं बदलेंगे तो। चलो भैया चलो, पद्मिनी वाला गाड़ी वाला भैया चलो आगे लो भाई। पीछे भी लाइन लग गई है, आगे भी लाइन है भाई, ट्रैफिक तो बड़ा तगड़ा है भाई आज है। तो अभी एक ट्रिक करना पड़ेगा, अगर कोई जाने ना दे तो इंडियन स्टाइल गाइस, हमारी ये लेन हमेशा खाली रहती है। लोग करते हैं इस लेन से भी ओवरटेक, अगर तुम बहुत से एक्सप्रेस हाईवे में इस लेन से भी ओवरटेक करते हैं, जो पुराने जैसे कि अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे से ना, इस लेन से भी लोग ओवरटेक करते हैं, पर ये रिस्की है, करना नहीं चाहिए तुम्हें रियल में। राइट साइड पे कावेरी ट्रैवल्स वॉल्वो की, बड़े स्लो चल रहे ये लोग हैं, वॉल्वो के पीछे पीछे चलते भाई, यही हमें आगे तक लेके जाएगी लगता है भाई। यही प्रॉब्लम है भाई फोर लेन हाईवे का। चलो चलो भाई चलो भाई, वॉल्वो छोटी लग रही है भाई वीरा के आगे, क्या बात हो रही है भाई, क्या बात है, क्या बातचीत है सब। अभी मुझे मेरे मूड में आना पड़ेगा भाई, ये लोग तो नहीं जाने देने वाले मेरे को, मुझे पक्का पता है। लेट्स गो लेट्स गो। चलो चलो चलो, हो गया गाइस, ट्रैफिक क्लियर हो गया है, ट्रैफिक क्लियर हो गया। वो थोड़ा सा एक पैच था, इसमें भर भर के ट्रैफिक आ गया, पता नहीं किधर से चल भी सारे वापस, सभी लोग स्लो चल रहे थे। चलो हमारा रोड क्लियर है भाई। गाइस कमेंट करके बता देना इंडियन फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दो आज, कमेंट कर ही दो। भर भर के कमेंट करते नहीं हो गाइस, ऐसे भी वीडियो बहुत कम देख रहे हो तुम लोग, फिर तुम लोग एक्सपेक्ट करते हो कि मैं लाइव करूं। बार वीडियो देखोगे तो लाइव करूंगा गाइस, ये क्या बात करते हो, वीडियो पे कमेंट वमेंट कम कर रहे हो आजकल तुम, कमेंट वमेंट लाइक वाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब तो करो यार, अच्छा लगता है, एक छोटा सा सपोर्ट तो हम भी डिजर्व करते हैं यार, क्या बात। YBM ट्रैवल से भाई, ऐसे स्लो नहीं चलती, पैसेंजर को ऑन टाइम पहुंचाने की आदत है हमको, क्या बोलते गाइस। मतलब उस लेन पे कम ही जाएंगे क्योंकि वो लेन थोड़ी रिस्की है ना गाइस, समझ रहे हो, ये होती है ड्राइविंग, ये होती है ड्राइविंग। अरे रे 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 भाई, फील तो है भाई, फुल फील भाई आज, मजा आ रहा है। कभी कभी हाईवे राइड भी करनी चाहिए गाइस, हाईवे राइडिंग के मजे है गाइस। 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ हमारी वीरा V8 आगे बढ़ रही है अपनी मंजिल की तरफ। वो शुरुआत में थोड़ा वो क्या था, इंटरसेक्शन था ना, मे बी इसलिए वो ज्यादा ट्रैफिक होगा। अभी ट्रैफिक क्लियर हो गया है, अभी कोई बीच में होटल वगैरह या फ्यूल पंप वगैरह रेस्ट एरिया दिखे ना तो गाइस हमें पैसेंजर के लिए रुकना है, ढाबे पे रुकना है गाइस, तो ढाबा वाबा के दिखेगा तो रुकेंगे। चलो भैया चलो, अच्छा वाह, मैं जब लेन चेंज कर रहा हूँ कभी स्पीड में भगा रहा है, क्या बात है भाई, ये भाई सस्पेंशन देख रहे हो भाई, अभी ये लोग स्पीड बढ़ा दी इन लोगों ने भाई, क्या बात है। अभी मैं भी पकड़ नहीं पा रहा आगे वाली पद्मिनी को भाई, बुरा मान के लगता है, आगे वाली गाड़ी वाला बुरा मान के लगता है। मेरे को हॉर्न कैसे मार दिया तुमने, पता है मैं हूँ कौन, पता है तुम्हें। इनोवा भाई, इनोवा वाले भैया नहीं हो रहा क्या तुमसे, चलो भाई क्या कर रहे इनोवा भैया, इनोवा भैया व्हाट आर यू डूइंग भैया। सुहाना मौसम है, सुहानी हाईवे है, तो मैं चाहता हूँ कि और इंडियन ट्रैफिक आए और इंडियन कार्स हमें देखने मिले भाई, ऐसे तो नहीं निकलने देगा ये मेरे को। चलो स्कॉर्पियो के पीछे लग जाते हैं, नहीं इनोवा इनोवा, ये मुझे लगा स्कॉर्पियो है। चलो इनोवा भैया, आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है यार, इतना स्लो चलोगे आप।
भाई इनोवा हो यार आप, व्हाई यू आर कटिंग योर नोज, आई मीन क्यों अपना नाक कटवाने पे तुले हो? चलो भाई इनोवा हो भाई, तो तुम्हारा हक है भाई, हाईवे पे डीपर है, मार मार के आगे ओवरटेक करना भाई, ये इनोवा का वो है भाई, इनोवा का एक जन्मसिद्ध अधिकार है। भाई डिटेलिंग तो है, अद्रित भाई का मॉडल है तो भाई डिटेलिंग तो होगी भाई, इनोवा एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर मतलब लग रही इनोवा है भाई ऐसा है। बस अद्रित भाई को डिमांड किया फॉर्च्यूनर ला दो भाई, इंडियन ट्रैफिक में फॉर्च्यूनर आ जाएगा इस, क्या बोलते हैं, मजा ही मजा आ जाएगा, बस फॉर्च्यूनर दिख जाए और जरा हैरियर भी बन जाता अद्रित भाई तो। भाई स्कॉर्पियो वाला ज्यादा तेज चला रहा भाई तेरे से इनोवा, देखो सामने स्कॉर्पियो क्रॉस की थी अभी पीछे गई वो, बड़ी तेजी से गई भाई वो, देखो एक और गई स्कॉर्पियो, भाई स्कॉर्पियो वाले का रुतबा अलग है ना, स्कॉर्पियो वाले का रुतबा अलग है भाई, वो तेजी में जाएगा, इनोवा बता नहीं आज क्यों इनोवा वाले सो रहे भाई रस्ते में, चल नहीं, चलो 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 भाई। ओ ओ ओ ओ ओ क्या हो गया, स्लो क्यों हो गया सबके, छोटा सा गांव है गाइस, लगता है बाईपास कर रहे हैं हम लोग ये हाईवे, देखो घर बने हुए ना इधर, कोई छोटी सी गांव वगैरह को बाईपास कर रहे होंगे, छोटी सी सिटी वगैरह होगी उसको बाईपास कर रहे हैं भाई, हाईवे बड़ा ट्रैफिक है भाई आज, ऐसा तो क्या है भाई आज इतना ट्रैफिक क्यों है भाई, ये समझाओ मुझे कुछ। गाइस बताओ नाइट जर्नी चाहिए इस हाईवे पे, रिटर्न जर्नी चाहिए क्या नाइट की, नाइट की रिटर्न जर्नी चाहिए क्या बताओ इस हाईवे पे गाइस, फुल डीपर मार के भाई, क्रेटा वाले डीपर मारते ना वैसा हम भी डीपर मारेंगे भाई फुल, बताओ चाहिए क्या नाइट जर्नी, कमेंट कर दो गाइस फटाफट से। देखो अभी इनोवा वाला फुल स्पीड में चला रहा है पर फिर भी इतना स्पीड में नहीं है जितना हम चला रहे हैं, तो हमको वो वाला ओवरटेक करना ही पड़ेगा, लेन खाली हो गई भाई, बताओ करो जितना ओवरटेक करना उतना करो, बढ़िया है कुछ भी बोलो भाई, बस ढाबा दिख जाए एक ढाबा, ढाबे पे रोक ले हम और रेस्ट ले लेंगे वहां पे और आगे की जर्नी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आराम से एक्सीडेंट हो रखा है, मैं इसलिए नहीं करता पता है, इस ऐसे टाइम पे डेंजरस होती है ये लेन, इस लेन से कभी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, पता नहीं आगे क्या रुका है और तुम ओवरटेक कर रहे हो, आगे जाके भिड़ जाओ तुम यार, इसलिए बहुत रेयरली ओवरटेक करना चाहिए इस लेन से, वो सर्विस लेन है, सर्विस लेन यानी कि वो एक रुकने के लिए लेन है, वो ओवरटेक करने के लिए नहीं है, पर फिर भी बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा है हाईवेज पे, करना नहीं चाहिए ऐसे, इंस्पिरेशन नहीं लेना चाहिए गाइस। चलो देखो सामने सामने आ गया है गाइस ढाबा, मतलब रेस्ट एरिया ढाबा वगैरह सब है सामने, पर हमारी लेन में नहीं आया, हमारी लेन में कब आ रहा है, सामने तो जा नहीं सकते हम लोग, हमको तो इसी लेन में रहना है, मैं भी आगे आएगा, हाँ हाँ बोर्ड दिखा बोर्ड दिखा, आगे आ गया गाइस, आगे आ गया, आ गया, अच्छा इधर ही हमारा भी, ओके ओके गाइस आ गया, ढाबा आ चुका है, ढाबा आ चुका है, लेन चेंज कर लेते हैं और यहाँ रेस्ट लेंगे गाइस हम लोग, यहाँ वाला ढाबा आ चुका है, यहाँ पे हम खाना पीना करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है लेट्स गो गाइस, अच्छी सी पार्किंग दिख जाए बस है तो खड़ी, वो मैकडोनल्ड्स भी है गाइस इधर, पर मैकडोनल्ड्स का एम उल्टा किया भाई इधर, जहाँ सारी बसें खड़ी रहेगी वहाँ पार्क कर देंगे हमारी बस को, सब वहाँ खड़ी है सारी बसें, ओके आगे देखते हैं यार, यहाँ नहीं रुकना, जहाँ ज़्यादा पब्लिक को वहाँ रुकनी चाहिए गाइस, अच्छा लगता है, खाली खाली एरिया का मज़ा नहीं आता, अच्छा वो दिख रहे बसें दिख गई मुझे, पर वहाँ जाना कैसे, अच्छा ओके आगे से जाना है, ये रहा गाइस हमारा, यहाँ बसेस रुकी है, हम भी यही लगा लेते हैं, अच्छा यही लगा लेते हैं, यहाँ से कुछ पैसेंजर भी हमारे चढ़ने वाले, पीछे ले लेते थोड़ा, टच हो गए गाइस, कोई बात होता है, बड़ी बड़ी बसों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, बस यही लगा लेते हैं, यहाँ से खाना पीना कर लो गाइस, आधा घंटा बस रुकेगी फिर हम डिपार्ट करेंगे, ठीक है यहाँ से निकलेंगे और डोर खोल लेता हूँ मैं, चलो उतर जाओ गाइस, बस को कर देता हूँ मैं। तो गाइस अभी पता चला है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मुझे लगता है ना कि
इसका भी पार्ट टू ही लाते हैं, मतलब अभी पार्ट टू ज्यादा हो रहा है मुझे पता है, पर क्या करूँ गाइस, वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं और मजा नहीं आएगा इस इतने लंबे लंबे वीडियो, बोर हो जाओगे तुम लोग। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जापान वाली सीरीज का तो पार्ट टू आएगा ही और इसका भी पार्ट टू लाऊंगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, लाइक करना मत भूलेगा गाइस, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिया सायोनारा, अडियोस, बाय बाय, लव यू गाइस।